सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में एंट्री ले चुकी है, भारत के अंदर आ चुकी है। ऐसे में सीमा हैदर के पास स्पेशल प्रोविजन के जरिए नागरिकता पाने का अधिकार वो इस्तेमाल कर सकती हैं, वो अपील कर सकती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उन्होंने की भी है। लेकिन अभी फिलहाल उनको रहने दिया जाए इसके लिए वो पोस्ट फैक्टो का इस्तेमाल कर सकती है, यानी कि एक स्पेशल परमिशन होती है कि जब आप इंडिया में आ चुके हैं तो गवर्नमेंट आपको यहां पर रहने की इजाजत दे देती है। लेकिन लगातार क्योंकि पूछताछ चल रही थी, सवालों के घेरे में अभी भी सीमा हैदर और सचिन मीणा है, लेकिन ऐसे में एक वीडियो 72 घंटे बाद सामने आता है। हम सीधा रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी आनंद तिवारी का। आनंद, जिस तरीके से इस वीडियो में सचिन एक वृद्ध शख्स के साथ सीमा के साथ दिखाई दे रहा है, जाहिर तौर पर अब सवाल ये उठ रहा है कि जो पूछताछ चल रही थी क्या वो फिलहाल के लिए बंद है? देखिए अंकिता, ये वीडियो ये जाहिर करता है और यूपी पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि अभी कोई पूछताछ जो है सीमा हैदर और सचिन मीणा से नहीं हो रही है। उनकी निजी कुछ दिक्कतें हैं जिसके चलते वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं और वो रबुपुरा में ही एक घर के अंदर मौजूद हैं अपने परिवार के साथ। ये एक स्थानीय नेता थे जो उनसे मिलने पहुंचे थे, उन्होंने SHO के नाम पे एक लेटर भी लिखा कि परिवार के सदस्य जो पहले से काम पे जाते थे वो काम पे जाना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने पहले भी किसी को कहीं जाने के लिए रोक नहीं लगाई है, लेकिन जो कोर्ट ने जमानत दी है उसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा अंकिता कि अगर सचिन मीणा या सीमा हैदर कहीं जाती है तो उन्हें लोकल पुलिस और कोर्ट को अवगत कराना होगा। यही वजह है कि वो लंबे वक्त से अपने घर में है। सचिन मीणा पहले रघुपुरा में ही एक दुकान पे काम करता था, उसने वहाँ पे वो काम छोड़ दिया है। तो अब परिवार को ये तय करना है कि वो कहीं नौकरी पे जाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपनी माली हालत का भी जिक्र किया है कि उनके पास पैसों की तंगी हो गई है, 4 बच्चे सीमा हैदर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ों का जिक्र इस वीडियो में किया गया है, लेकिन पुलिस की पूछताछ फिलहाल ख़त्म है। जो मामला चल रहा है, जिस तरीके से अवैध तरीके से जो भारत में घुसपैठ की है या जो भारत में एंट्री की है सीमा हैदर ने, उसमें जो जमानत पे उसकी विवेचना लगातार यूपी पुलिस जो है वो कर रही है। ठीक है आनंद, लौटेंगे हम आपके पास। लेकिन जिस तरीके से आनंद हमें बता रहे थे कि कुछ निजी कारणों की वजह से कुछ परेशानियां हैं जो कि सीमा हैदर और उसके परिवार, यानी कि सचिन मीणा और सीमा हैदर जो कि अब पत्नी बन चुकी हैं सचिन मीणा की, उनके परिवार के सामने आ रहे थे। और ये देखिए यहां पर साफ साफ लिखा भी हुआ है कि मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माई प्राइवेसी मीणा फैमिली, और इसीलिए हम घर के बाहर से ही लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने घर वालों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया सामने आया है, इस वक्त ATS की पूछताछ फिलहाल सचिन मीणा और सीमा हैदर से होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, पूछताछ फिलहाल के लिए रोक दी गई है, लेकिन शक खत्म नहीं हुआ है। और इसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि यूपी ATS लगातार पूछताछ कर रही थी सीमा हैदर से और सचिन मीणा से, सवालों के घेरे में वो अब भी बरकरार है और दायरा जो है जांच का वो बढ़ता चला जा रहा है। और सीमा हैदर और सचिन मीणा की जो चर्चे हैं वो पूरे देश भर में, चाहे गली हो चाहे नुक्कड़ हो, वहां पर हो रहे हैं। और ऐसे में सीमा हैदर का दुबई जाना, दुबई से नेपाल आना और नेपाल से अवैध तरीके से भारत में दाखिल होना, ऐसे में कौन कौन से वो लोग थे जिसने सीमा हैदर की मदद की है, कौन कौन से वो जरिया था जिसे इस्तेमाल करके सीमा हैदर अंदर आई है, क्या सचिन मीणा ने मदद तो नहीं की है, किस तरीके से मदद की है, क्या फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की है, सचिन मीणा के कहने पर कौन कौन और इसमें शामिल है, ये तमाम सवालात हैं जो अब उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमा का ISI कनेक्शन मिल गया, ISI की कठपुतली है सीमा हैदर, सीमा पर गहराया जासूसी का शक, सीमा के बदलते बयान ने खड़े किए सवाल। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को लेकर जांच एजेंसियों की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसियां सीमा हैदर से जुड़ी हर एक जानकारी इकट्ठा करने में जुटी हैं। सीमा हैदर पर लगातार जासूसी का शक बना हुआ है। सूत्रों का दावा है कि जांच एजेंसियां अब सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल कर रही हैं। सीमा ने भारत आने से पहले कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे जिसकी मदद से वो सचिन से दोस्ती करने में कामयाब हो पाई थी। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने 7 फरवरी 2022 से सोशल मीडिया पोस्ट डालना शुरू करी। उसके कुछ दिन बाद उसने सचिन मीणा की फोटो पर मीणा जी मिस यू लिखकर भी एक पोस्ट डाली। सीमा हैदर की ज्यादातर पोस्ट सचिन मीणा को लेकर ही थी ताकि वो सचिन का भरोसा जीत सके। सीमा हैदर की सोशल मीडिया ID भी ज्यादा लंबी नहीं थी, इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियों का शक सीमा हैदर पर और ज्यादा गहराता गया। लेकिन अब
जांच एजेंसियां सीमा हैदर के यूट्यूब कनेक्शन को भी खंगालने में जुटी हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर ने भारत में दाखिल होने से पहले खुद को एक यूट्यूबर के रूप में पेश करने की भी कोशिश की हो। सुरक्षा एजेंसियां शक करके जब भी सीमा हैदर से सवाल जवाब करे वो खुद को एक यूट्यूबर बनकर बच जाए। सीमा हैदर लगातार अपने वीडियो के जरिए सचिन से प्यार की खातिर भारत आने की बात भी कर रही थी। उधर यूपी एटीएस की जांच में सीमा हैदर पर एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों का दावा है कि सीमा जल्द से जल्द भारत की नागरिकता पाने की फिराक में थी। इसके लिए वो फर्जी आधार कार्ड भी बनवाना चाहती थी और इस काम को अंजाम देने के लिए सीमा का प्रेमी सचिन मीणा उसकी मदद कर रहा था। सचिन मीणा करीबन 1.5 महीने से सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए प्रयास कर रहा था और इसके लिए उसने बुलंदशहर में अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और उसके बाद उसके दो करीबियों ने फर्जी आधार कार्ड बनाने की तैयारी शुरू करी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। दावा है कि सीमा हैदर की कोशिश थी कि एक बार भारत का आधार कार्ड तैयार होते ही उसकी पाकिस्तानी पहचान छिप जाती और फिर उसे सचिन मीणा के सहारे भारत में रहने का ठिकाना भी मिल जाता। अब देखिए, सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही कि सीमा हैदर ने सचिन से कांटेक्ट करने के पहले तमाम तरह से अपने आप को एक यूट्यूबर घोषित करने की या साबित करने की कोशिश की। ये सवाल तो है ही, सवाल साथ में ये भी है कि जब उसका ससुराल और उसका मायका दोनों सिंध में था तो वो कराची 4.5 साल तक रहने के लिए क्यों गई थी? क्या उसके ISI के साथ संबंध हो सकता है या ISI की एजेंट वो हो सकती है? ये तमाम सवाल है और क्योंकि डाउट इस बात का भी किया जा रहा है कि हो सकता है उसे ISI ने ही ट्रेन करके भेजा हो। एक बार फिर से हमारे सहयोगी आनंद का रुख कर लेंगे। आनंद, भले ही फिलहाल पूछताछ बंद हो गई हो लेकिन शक के दायरे में अब भी सीमा सचिन है। देखिए बिल्कुल अंकिता, कई ऐसे सवाल हैं जो सीमा हैदर को शक के दायरे में लाते हैं कि सिंध प्रांत की रहने वाली एक महिला जिसकी कम उम्र में शादी हो गई, जिसका एक जो पति था उसका पहले तलाक हो चुका था, उसकी दूसरी शादी थी, वो महिला भारत में किस तरह से घुसपैठ करती है, ये पबजी से केवल लव अफेयर का मामला है या ये भारत की नागरिकता हासिल करना चाहती थी या भारत में आके यूट्यूबर बनना चाहती थी, अपना करियर तलाशना चाहती थी, या कोई गहरी साजिश थी कि भारत की नागरिकता हासिल करने के बाद ISI के किसी मकसद को अंजाम यहाँ पर दिया जाए, तो ये तमाम चीज़ों पर UP ATS ने अपनी जाँच कर ली। हालांकि UP ATS का साफ तौर पर कहना था कि अब तक जासूसी का कोई एंगल सामने नहीं आया और जो सेंट्रल एजेंसियाँ थी उन्होंने भी सीमा हैदर से कई दौर की पूछताछ की है, लेकिन अब फिलहाल यूपी पुलिस के पास एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया। आनंद, देखिए जासूसी का एंगल भले ही सामने ना आया हो लेकिन अवैध तरीके से जिस तरीके से सीमा हैदर की एंट्री भारत में कराई गई है, जाहिर तौर पर सुरक्षा के लिहाज से बड़े सवाल उठते हैं और यही वजह है कि ATS और IB आनंद फानन में अब जांच में जुट गई है। और बड़ी वजह यह है कि अगर वो जिस तरीके से अपने आप को एक आम महिला साबित करने की कोशिश कर रही है, 4 बच्चों के साथ चली आती है, तो सोचिए कितने मास्टरमाइंड ऐसे होंगे जो कि भारत में दाखिल होकर यहां पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते होंगे। और बड़ी वजह यही है कि जांच एजेंसियां इस वक्त पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है।